हाँ, मेरी YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि 2023 के जितने भी लड़के थे, जितने भी जूनियर हमारे थे, जूनियर ही मैं कहूँगा आप लोगों को, क्योंकि 2023 के बैच में आप लोगों ने एडमिशन बीएड विभाग में लिया है, तो काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा है। मैंने बीएड विभाग के काफ़ी, जब एडमिशन हो रहा था, जब काउंसलिंग हो रही थी, मैंने काफ़ी लोगों को बताया था। तो मेरे संपर्क में काफ़ी ऐसे लड़के हैं जिनको सरकारी कॉलेज मिला है। इस बार 2023 के सत्र में बीटीसी वर्सेस बीएड के चलते हुए जो है 44,000 65,000 इतने इतने अधिक रैंकों पे जो है लड़कों को सिलेक्शन हुआ और लड़कों को सरकारी कॉलेज अलाट हुआ, जैसे कि अमेठी, बलिया और इसके बाद जौनपुर कॉलेजों में। ऐसे ऐसे कॉलेजों में अच्छे अच्छे जो हाइएस्ट रैंक वाले थे लड़के, उनको जो है कॉलेज अलाट हुआ सरकारी। तो अब आप लोगों का ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अब इंस्टाग्राम पे हो रहा है कि भैया जो हमारा फीस, जो जैसे कि मैं अपने कॉलेज की बात बताऊं कि मेरे कॉलेज में जो है 5,000 आपका एडवांस फीस लगता है काउंसलिंग के थ्रू, आप भी जानते होंगे। और इसके बाद 4,420 रुपया जो हमारा फीस है, कॉलेज का फीस है, 580 रुपया रिफंड होने वाला था। तो आप लोगों का यही क्यूरिसिटी आ रही है कि भैया जो रिफंड फीस होने वाला था, कितने दिनों में रिफंड फीस होता है, आपका कितने दिनों में हुआ था, इसको बता दीजिए। तो बहुत सारे कॉलेजों में, जैसे कि सुल्तानपुर कॉलेज जो अवध यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, केनाई कॉलेज, और इसके बाद किसान इंटर कॉलेज बहराइच वाला, एलबीएस कॉलेज गोंडा वाला, इन सब कॉलेजों में जो है 5,000 से कम पैसा लगा, जैसे कि 3,000 कहीं लगा है, कहीं 2,500 लगा हो, कहीं 4,000 लगा हुआ है, कहीं कहीं तो 8,000 लगा हो। तो 8,000 आप अगर फीस आपका लगा होगा, तो आपने जो फीस पेमेंट करके तब काउंसलिंग लेटर निकाला होगा। लेकिन जिन लड़कों का जो है 5,000 से कम पैसा लगा था, तो उनको फीस रिफंड होने वाली थी। तो आप लोगों को यही जिज्ञासा आ रही है कि भैया कब तक वो रिफंड फीस होता है, आपका कब रिफंड हुआ था। तो गाइस, मैं आप अपनी अगर बात बताऊं, तो जैसे कि मुझे अपना कॉलेज जो है वो 15 अक्टूबर के लमसम जो है अलाट हुआ था जाके, 2 नवंबर से हमारी कक्षाएं चालू हो गई थी। और इस बार जो है एडमिशन पहले हुआ है, लगभग 1 अक्टूबर से ही लड़के काफ़ी कॉलेजों में, अब काफ़ी यूनिवर्सिटियों में जो है लड़के पढ़ने जाने लगे हैं। और बात करें कि मेरा कब पैसा आया, तो मेरा जो है नवंबर में हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की थी, तो जाके हम लोगों का फरवरी से मार्च के बीच में आया था। कुछ लड़कों का मार्च में आया था, कुछ लड़कों का फरवरी में आया था। अच्छा, पैसा कौन देता है? कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि पैसा क्या जहाँ हम लोग काउंसलिंग कराए हैं वो देते हैं, कि जहाँ हमें कॉलेज अलाट हुआ वो देते हैं। तो गाइस, जो जहाँ आपको कॉलेज अलाट हुआ है वो आपको पैसा नहीं देंगे। जहाँ से आपने काउंसलिंग कराया है, मतलब काउंसलिंग कराते हुए आपका बैंक डिटेल मांगा हुआ था, आपका उसी खाते में पैसा जाएगा। और जिस जिस भी साल जो है जो भी यूनिवर्सिटी कराई रहेगी, वही यूनिवर्सिटी आपका रिफंड फीस जो आपके खाते में भेजेगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। जो लोग अक्टूबर में एडमिशन लिए 2023 के सत्र में, उनका मैं मान के चलता हूँ कि जनवरी के पहले हफ्ते में जो आपका रिफंड फीस आ जाएगा, जनवरी या फरवरी भी हो सकता है, कुछ अगर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये श्योर है कि आपका जितना भी रिफंड पैसा है वो जरूर आएगा। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भैया कुछ यूट्यूब चैनल वाले ये बोल रहे हैं कि कॉलेज से वो पैसा रिफंड होगा। तो गाइस, कॉलेज से वो पैसा नहीं रिफंड होगा, वो आपको यूनिवर्सिटी ही रिफंड होगी। और कॉलेज के ऊपर आप प्रेशर मत बनाए। मेरे भी जो जूनियर आए हैं मेरे कॉलेज में, वो भी मुझसे कल मिले थे, तो पूछ रहे थे कि भैया वो 580 रुपया कब रिफंड होगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका जल्द ही वो पैसा आएगा और यूनिवर्सिटी से आएगा। आपने कॉलेजों के टीचरों से इस बारे में बिल्कुल बात कीजिए। और पैसा कुछ लोगों का 3,000 है, कुछ लोगों का 4,000 है, इसीलिए वो और ज़्यादा परेशान है। तो पैसे के लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका पैसा जरूर आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग की तैयारी या जो है जहाँ भी आपको कॉलेज अलाट हुआ होगा, और मेरे संपर्क में कॉलेज जिनको अलाट होगा, तो आप लोग बताइए कि पढ़ाई कैसी हो रही है, बीएड विभाग आपको कैसा लग रहा है, क्या आप जो आपके मन में पहले से क्यूरियसिटी थी या जिज्ञासाएँ थी, या जो आप लोग परेशान रहते थे कि कैसे क्या होगा, कैसे बीएड कंप्लीट हो जाए, कैसे हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा, आप लोग 2 से 3 महीना हो गया, कैसे फील कर रहे हैं अपने आप को, और आपको लगता है कि क्या अभी भी बीएड करना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा सरकारी कॉलेज से, तो आप अपनी जिज्ञासाओं को मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मैं पढ़ के उसको अगर आपको समझ में आएगा तो और लोग के पास भी शेयर करूंगा। आप जहां भी हैं ईमानदारी से पढ़िए, मेरा कहने का मतलब यही है। अपना 100% दीजिए, आपको जरूर सिलेक्शन मिलेगा, जरूर आपको। भले ही सरकार कहती है कि इतना वैकेंसी नहीं आता, उतना वैकेंसी नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने पढ़ाई को 100% देंगे, 100% नंबर लाने का प्रयास करते हैं, तो आपको कोई नहीं छाट देगा। तो बस इसी बातों पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और पैसे के लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, पैसा आपका जरूर आएगा। जय हिंद।